द्वितीय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक साल्वी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपके सामने द्वितीय वर्ष चित्रकला के बारे में मैं कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं चित्रकला विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपको द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चूँकि अपन चित्रकला विषय के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इस विषय से संबंधित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़ना है, किन किन विषयों को अपन को रेखांकित करना है, उनको पढ़ना है, तो ये जानना हमारे लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। इसके साथ ही हम परीक्षा प्रणाली जो हो सकता है किसी विश्वविद्यालय ने या हमारे विश्वविद्यालय ने कोई परिवर्तन किया हो, तो उसे भी जानना हमें बहुत आवश्यक है। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब की जानकारी होना हमें नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें विद्यार्थियों, इसमें तीन प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि प्रथम वर्ष कला में भी आप तीन प्रश्न पत्र आपने दिए हैं, इसी प्रकार से तीन प्रश्न पत्र इसमें होंगे। तीनों प्रश्न पत्र कुल मिलाकर 200 पूर्णांक के होंगे, जिसमें पहला जो प्रथम प्रश्न पत्र जो है, पहला प्रश्न पत्र जो है वो स्टडी ऑफ फुल ह्यूमन फिगर, यानी कि लाइफ स्टडी। इसके अंतर्गत आपको पूरे व्यक्ति का, पूरे मॉडल का पूरा चित्र बनाना है पेंसिल के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमें छाया प्रकाश मतलब शेडिंग का विशेष ध्यान रखना है। छाया प्रकाश के साथ अनुपात बहुत महत्वपूर्ण बात है, अनुपात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अनुपात से तात्पर्य कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जो अंग हैं वो कौन से अंग किस अनुपात में बनाए जाएंगे। जैसे कि हमने सिर बनाया, किसी मॉडल का सिर बनाया, तो सिर का लगभग 7.5 गुना अगर खड़ा है तो लगभग 7.5 गुना उसका पूरा शरीर होता है। उसी प्रकार अगर सिर बनाया और सिर पे आँखों की स्थिति कहाँ होगी, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, दोनों आँखों के बीच में एक आँख का गैप होता है तो ये कितना होगा, कान कहाँ पे अवस्थित होंगे, कान कैसे बनाएंगे, नाक कितना बड़ा होता है, लिप्स कितने बड़े होते हैं, किस आकार में होते हैं, पुरुष है तो पुरुषों की होठों के आकार किस प्रकार से होते हैं, स्त्री है, महिला है, मॉडल हमारी, तो उसके लिप्स किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में हमको पूरे वर्ष भर अध्ययन करना है, डिटेल स्टडी करना है ह्यूमन फिगर की। ये प्रश्न पत्र आपका 90 अंकों का होता है, जो पूरी तरह से प्रायोगिक है।
इन तीनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक प्रश्न पत्र पर प्रत्येक प्रश्न पत्र में हमें समान रूप से पास होना आवश्यक है। ऐसा नहीं एक प्रश्न पत्र में अच्छे मार्क्स आ गए तो दूसरे प्रश्न पत्र में वो जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको पास होना अनिवार्य है। यह लाइफ स्टडी हम मॉडल के साथ मॉडल को बिठा कर करेंगे, पूरे साल भर करेंगे। यह आपका इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 5 घंटे का होता है। 5 घंटे के एग्ज़ाम में आपको इसको पूरा ड्रॉ करना होता है, ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करना होता है। फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न पत्र पर, द्वितीय वर्ष कला का दूसरा प्रश्न पत्र, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर। इसके अंतर्गत हम पूरे प्रश्न पत्र के उस पूरे प्रश्न पत्र में भारतीय चित्रकला का और मूर्तिकला का इतिहास का अध्ययन करेंगे। ये दूसरा पेपर हमारा 80 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। इसकी डिटेल स्टडी हम इस प्रकार करते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम प्री हिस्टोरिक आर्ट, प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ेंगे, केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, बाघ और सिगिरिया की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम मिनीचर आर्ट के अंदर जैन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और मुगल शैली, इन सभी शैलियों के चित्रों की विशेषताएं, यह चित्र कैसे तैयार किए जाते थे, यह चित्र किन किन कौन से प्रमुख चित्र जो हैं, प्रसिद्ध चित्र जो हैं, वो किन किन के शासनकाल में बने हैं, या किन शासकों के या किन सम्राटों के शासनकाल में कलाओं की और अधिक उन्नति हुई, कलाएं बहुत अधिक आकर्षित हुई, कलाकारों के प्रति सम्राटों का या राजाओं का क्या दृष्टिकोण रहा, इस प्रकार की कौन से राजा का कौन सा प्रिय विषय पर कौन सी मिनीचर पेंटिंग्स बनाई गई, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम बंगाल के पुनर्जागरण काल के बारे में, बंगाल रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बंगाल के पुनर्जागरण काल में किन किन कलाकारों ने अपने कला कर्म को, अपनी कला यात्रा को किया, कैसे कैसे चित्रों का निर्माण किया, किन विषय वस्तुओं को लेकर चित्रों का निर्माण किया, किन माध्यमों में उनको निर्माण किया चित्रों का, उनको हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अवरिंद्रनाथ टैगोर और उसके कुछ समकालीन कलाकार जैसे कि अमृता शेरगिल, एनएस बेंद्रे, एमएफ हुसैन, के हेबर और भी कई कलाकार हैं जो पुनर्जागरण कालीन समय से या उनके समय से लेकर कुछ दशकों तक उन्होंने पुनर्जागरण काल में अपनी कला यात्रा को जिया और कला कर्म किया और भारतीय कला को विश्व पटल पर एक नए दृष्टिकोण से स्थापित किया, इसके अंतर्गत हम ये चीज पढ़ेंगे। अब नया यूनिट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कला के बारे में, मौर्य और शुंग कालीन कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हड़प्पा की खोज कैसे हुई, किन्होंने खोज की, मोहनजोदड़ो किस प्रकार की खोज हुई, वहाँ से हमें कौन कौन सी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई, उन कलाकृतियों की कलात्मक उपलब्धियाँ क्या क्या है, वो कलाकृतियाँ हमारे लिए क्यों बहुमूल्य है, अमूल्य है, पुरानिधि है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कहाँ से कौन सी मूर्ति हमें प्राप्त हुई और उसकी क्या विशेषता रही, इसे हम पढ़ेंगे।
मौर्य और शुंग काल, इसी यूनिट में, फोर्थ यूनिट में मौर्य काल और शुंग काल में इनके कलाकारों ने कैसे काम किए, मौर्यकालीन कला की क्या विशेषता रही, किस मूर्ति को देखने के बाद हम स्वाभाविक अनुमान लगा सकते हैं कि ये मौर्य काल में बनी होगी या ये शुंग काल में बनी होगी, इनकी विशेषताओं के बारे में फोर्थ यूनिट के अंतर्गत ये मूर्ति कला का पार्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चित्रकला का पार्ट है और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो मूर्ति कला का पार्ट है। इनको हम पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देन फिफ्थ यूनिट, पांचवा यूनिट आपका स्कल्पचर मथुरा और गांधार और मध्यकालीन मूर्तिकला। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट आपका मूर्तिकला से संबंधित है, तो हम ये मथुराकालीन जो कला है, मूर्तिकला है, गांधारकालीन जो कला है, बुद्ध की मूर्तियाँ कैसे बननी शुरू हुई, मौर्य काल में, गांधारकालीन काल में और मथुरा में और मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया गया, उनकी क्या क्या विशेषता रही, इनका अध्ययन हम इस पूरे सत्र में करेंगे। चूँकि यह मेरा पहला ही व्याख्यान है, ई व्याख्यान है, इसके अंतर्गत आपको सिलेबस को, पाठ्यक्रम को जानना नितांत आवश्यक है। आपको इस पाठ्यक्रम को पेन कॉपी के माध्यम से लिख लेना चाहिए और हमें इसको पढ़ना है पूरे वर्ष भर। बिल्कुल रोचक तरीके से हम पूरे वर्ष भर इन बिंदुओं को, इन विषयों को पढ़ेंगे और याद रखेंगे। वैसे आपको एक पेन और कागज़ जब भी अपन इस ई व्याख्यान में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके कागज़ और पेन जो लिखने के लिए हैं वो आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको किसी चीज़ से वंचित नहीं होना पड़े। ये पांचों यूनिट के अंतर्गत आपका पूरा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा। अब आपके प्रश्न, ये जो सेकंड ईयर का सेकंड पेपर का जो भाग है, उसमें जो प्रश्न के, जो विश्वविद्यालय ने जो प्रश्न प्रणाली, प्रश्न पूछने की जो प्रणाली बना रखी है, उन प्रणाली किसी प्रकार की है आप देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हमें कैसे कैसे प्रश्न विश्वविद्यालय से पूछे जाएंगे विषय से संबंधित। सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे जो पांचों यूनिट को मिलाकर होंगे। इसमें से देन सेकंड होगा सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे पांचों यूनिट्स में मिला के। एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है। तीसरा यूनिट है आपका सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यह डिस्क्रिप्टिव होगा, यह विस्तृत लेखन वाले प्रश्न होंगे जिनका उत्तर अपना विस्तृत देना है। तो ये 3 यूनिट के प्रश्न को मिलाकर आपका ये सेकंड पेपर जो पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है, इसको आपको करना है। इसके मार्क्स अधिकतम 80 नंबर हैं। तो यदि हम इन विषयों के जो यूनिट बनाए हैं, इन यूनिट को हम व्यवस्थित क्रम से प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छे मार्क्स, हम इस एग्ज़ाम, जो जब भी एग्ज़ाम होंगे तो हम इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वैसे तो बहुत सी पुस्तकें आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, किंतु मैं आशा करता हूँ कि आप इन ई व्याख्यानों के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें, तो इन विषयों पे हम प्रत्येक विषय को लेकर हम अच्छी चर्चा करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे और हमें रोचक तरीके से रुचि लेकर इन विषयों को हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। देन थर्ड पेपर है आपका आउटडोर स्टडी। 2 पेपर की बात हो चुकी है, पहला पोर्ट्रेट लाइव स्टडी का है जिसमें फुल ह्यूमन स्टडी है, लाइव स्टडी है। देन सेकंड है आपका थ्योरी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग और स्कल्पचर, जिसको 5 यूनिट के माध्यम से अपनों ने डिस्क्राइब किया। देन थर्ड यूनिट,
थर्ड पेपर, थर्ड पेपर आपका आउटडोर स्टडी है जो एक कला के विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है जानना। आउटडोर स्टडी क्या होता है? आउटडोर स्टडी में आपको जो कार्य करना है वो A3 और A4 कागज़ पे आपको स्केच बनाने हैं। ये स्केच जो हैं आपके मानवाकृतियों से संबंधित होंगे, पशु पक्षी के आकारों से संबंधित होंगे और आपके गली मोहल्ले में जो कभी गाय खड़ी रहती है, आपके गली मोहल्लों में कभी कोई कुत्ता खड़ा रहता है, उनको हम रैपिडली स्केच, आपको उसमें डिटेल नहीं निकालना, रैपिड स्केच, चार स्ट्रोक पेंसिल के या चार बार पेंसिल, पांच बार पेंसिल बनाकर आपको ह्यूमन फिगर या पशु पक्षियों के आकारों का निर्धारण करना पड़ेगा। और घर में अपने उपस्थित किसी भी सदस्य को बिठा के आप उनका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं और निर्जीव वस्तुओं का भी आप स्केच बनाने में उनका उपयोग कर सकते, जैसे कप प्लेट, किचन के बहुत सारे सामान हैं, कुर्सी टेबल हैं, इस प्रकार से हम हमारे स्केच को बना सकते हैं। ये स्केच आपको लगभग 100 तो कम से कम बनाना ही है, 100 से अधिक बनाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको 100 से ज़्यादा स्केच जमा कराने हैं और ये A3 साइज के स्केचेस जमा कराने हैं आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। और ये स्केचेस आपको परीक्षा सत्र के, सुनना अच्छी तरीके से बात को सुनना, आपका सत्र जब ख़त्म होता है उस सत्र ख़त्म होने के ठीक एक महीने पहले आपको विभागाध्यक्ष को यह स्केचेस सारे जमा कराने हैं। इसके साथ ही आपको 6 शीट लाइव स्टडी की, जो हमने फर्स्ट पेपर में बात करी है, 6 शीट उसकी और 2 शीट आपको लिम्स स्टडी, यानी कि आपका हाथ, आँख, इस प्रकार से चेहरा, इस प्रकार से स्केचेस बनाने हैं और ये 2 शीट उस प्रकार से रिपीटली जो आपने स्केच बनाई है ड्राइंग शीट पे, इनको आपको एंड ऑफ द सेशन ये आपको जमा कराने हैं विभागाध्यक्ष को। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पहला अपना लेक्चर था और इसको अपन अच्छे तरीके से करेंगे। आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक, आप भी और आपके साथियों को भी इन ई लेक्चरों के माध्यम से जुड़ें। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले लेक्चर में अपन निश्चित रूप से इन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।